What's up guys, it's your boy Kratos and welcome back to another gameplay video of WWE 2K23 MyGM. So last episode में एक और pay-per-view को हमने खत्म कर दिया, तो आज यहाँ पे कुछ और वीक्स जो है यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं। देखते भाई आज के इस एपिसोड में हम जो है कितने वीक्स को कंप्लीट करेंगे। एक या दो वीक्स जो है जरूर हम इस वाले एपिसोड में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंड इसके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी है। मैं एक बार अपने जीएम वाले सेक्शन में पहुँचता हूँ एंड आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो अगर आप फिलहाल अभी देखो ना, तो अभी हम रैंक फर्स्ट पे एंड सेकंड पे स्मैकडाउन, थर्ड पे एनएक्सटी एंड फोर्थ पे यहाँ पे रॉ है। एंड अगर मैं फैंस की बात करूँ तो फैन का डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है यहाँ पे एंड WCW और यहाँ पे स्मैकडाउन के बीच में। बट प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, पहले रॉस्टर में चलते हैं। एंड इंजरीज देखो आप, शार्लेट प्लेयर 5 वीक के लिए इंजर्ड है। एंड बजट भी देखना, मेरा बजट कितना बाकी बचा है। एंड इसके अलावा सारे के सारे जो सुपर स्टार्स हैं उनका आप यहाँ पे स्टैमिना देखो, रैंडी ऑर्टन स्टैमिना 0, रोमन रेंस का स्टैमिना 18। एंड यहाँ पे मैंने कुछ ना मिखाल जब कार्ड्स भी यूज़ करें, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ इस वीक के लिए। एंड यहाँ पे जो है डीप डिस्काउंट हमारे पास है यहाँ पे, तो चल ही रहे को ये जो है ना स्पेशलाइज शो, जहाँ पे हम अगर दो स्पेशलिस्ट की जो है उनकी फाइट करवाएंगे तो उससे यहाँ पे हमें जो है काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बट इसको हम फिलहाल यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा स्पेशलिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो ये एक प्रॉब्लम होने वाली है। सो देखते भाई आगे वीक में हम किस तरीके से जो है राइवलरी को यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। एंड अगर मैं टैग टीम चैंपियंस की बात करूँ तो जो है हमारे पास डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो, तो इनका स्टैमिना फिर भी ठीक है, तो एक मैच जो है इनके साथ मैं करवा सकता हूँ। एंड शैंकी एंड महान के साथ लेवल 2 की राइवलरी है, तो इनको मैं लेवल 4 की राइवलरी तक करवा सकता हूँ। एंड इसके साथ यहाँ पे फाइटर और ब्रूजर काफ़ी अच्छा मैच देंगे। सो रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक लेसनर, वैसे दोनों यहाँ पे फेस सुपरस्टार है तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आ सकती है। बट चलिए देखते हैं कि इनकी इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से जो है सॉल्व करवाने वाले हैं। या तो मेरे को रैंडी ऑर्टन नहीं तो ब्रॉक लेसनर को मेरे को हील टर्न करवाना पड़ेगा। एंड इसके साथ यहाँ पे और कौन कौन से होते हैं, फिन बैलर के साथ भी मेरे को किसी की राइवलरी जो है बिल्ड करनी पड़ेगी। सो एक फाइटर और एक और ब्रूजर मेरे पास कोई अवेलेबल है क्या? रोमन रेंज वैसे भी यहाँ पे जो है 6 वीक के लिए अवेलेबल है, बट फिर ये दोनों के दोनों अगर आप देखो तो दोनों यहाँ पे जो है हील सुपरस्टार हो जाएंगे। एंड ब्रूशर मेरे पास टाइटस ओनील है, सो टाइटस ओनील की यहाँ पे राइवलरी में करवा सकता हूँ। एंड अगर आप देखो तो वीर महान भी यहाँ पे इंजर्ड है एंड ओमोस एक जॉइंट है। एंड ओमोस और कोफी किंगस्टन की फाइट हमने लास्ट वाले एपिसोड में करवाई थी जैसा कि आप सभी लोगों को याद ही होगा। एंड एक मैच जो है मैं स्पेशलिस्ट का भी करवा सकता हूँ, बट स्पेशलिस्ट भी मेरे पास एक ही अवेलेबल है। सो देखते भाई अभी कि हम किस किस को जो है परचेज कर सकते हैं। सो मिस यहाँ पे अवेलेबल हैं, एजे स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड स्पेशलिस्ट के बीच में जो मैचेस हैं काफ़ी अच्छे भी जाने वाले हैं। एंड देखते हैं भाई यहाँ पे जो है वुमेन्स में स्पेशलिस्ट नटले अवेलेबल हैं, बट प्रॉब्लम एक यही है कि यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कि मैं तब तक यहाँ पे जो है ना, एक बार को पहले मैं देख लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन मेरे पास अवेलेबल है एंड अ सुपरस्टार जीएम रेज द सेलेक्टेड सुपरस्टार मोरेल। ओके इसको अभी भी यूज़ नहीं कर सकता ना मैं, यस। सो मेरे पे यहाँ पे कोई भी ना इंजरी वाला कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एंड इससे मेरे को यहाँ पे हेल्थ स्पा ही मिलेगा, रिकवर 18। तो एक काम करता हूँ, जो हेल्थ स्पा ये वाला है ना, इसको मैं रैंडी ऑर्टन पे यूज़ कर देता हूँ, ठीक है? चलो वैसे रैंडी ऑर्टन की बैटल अभी मेरे को यहाँ पे नहीं करवानी है फाइट आज की इस वाली वीक में, बट हाँ क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर को करवाना पड़ेगा यहाँ पे रिकवर जल्दी, क्योंकि 5 वीक के लिए यहाँ पे गई हुई है। एंड अगले वीक में अगर यहाँ पे नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में यहाँ पे जो है अगला पेपर व्यू है रेसलमेनिया बैकलैश, एंड भाई ये काफ़ी बड़ा पेपर व्यू होने वाला है। सो इसके लिए मुझे मैचेस जो है ना अच्छे खासे यहाँ पे राइवलरी के साथ, लगभग सारे मैचेस जो है ना लेवल 4 की राइवलरी के साथ मेरे को रखने पड़ेंगे। एंड उसको स्टार्ट मेरे को अभी से यहाँ पे करना पड़ेगा। सो चलिए टैग टीम का तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, टैग टीम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट हाँ टैग टीम की इनकी जो राइवलरी है इनको बिल्ड करने के लिए मेरे को यहाँ पे जो है टैग टीम मैचेस ही करवाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉल आउट भी करवाऊंगा सो कॉल आउट वर्क नहीं करते हैं, तो वो एक चीज़ रहेगी यहाँ पे प्रॉब्लम छोटी सी। ओके तो यहाँ पे जो है एक वीक के लिए रैंडी ऑर्टन बिजी हैं, ठीक है चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रॉक लेसनर को मैं हील टर्न करवा दूंगा एंड रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर का मैच होगा रेसलमेनिया बैकलैश में। एंड आप अगर राइवलरी लेवल 4 तक नहीं भी जाती है फिर भी यहाँ पे जो है काम चल जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे वैसे शार्लेट फ्लेयर की राइवलरी यहाँ पे मैं अगर करवाता भी ना तो यहाँ पे इतनी इनके पास स्टैमिना बाकी नहीं है, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है इनके साथ। एंड फाइटर के साथ एक ब्रूजर, कोई ब्रूजर क्या अवेलेबल है क्या इस वीक पे जिसको मैं ले सकूं? स्पेशलिस्ट ज़्यादा अवेलेबल दिख रहे हैं मेरे को इस वीक में। एंड यस स्पेशलिस्ट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिंदर महल यहाँ पे अवेलेबल है जिनका स्टैमिना भी काफ़ी अच्छा खासा है। सो जिंदर महल के साथ भी यहाँ पे जो है मैं राइवलरी जो है स्टार्ट करवा सकता हूँ।
क्योंकि वीक अभी यहाँ पे स्टार्ट ही हुआ है। सो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जिंदर महल को जो है ना बाय कर लेता हूँ। तो जिंदर महल और जिंदर महल के साथ यहाँ पे जो है फिन बैलर की राइवलरी, एक हील सुपर स्टार है, जिंदर महल को भी हील है, तो जिंदर महल को भी मेरे को यहाँ पे जो है करवाना पड़ेगा चेंज। ओके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं टाइटस ओनील के साथ भी करवा सकता था ना, मैंने गलत ही यहाँ पे जो है जिंदर महल को जो है पे बाय कर दिया, थोड़ा सा गलत डिसीजन मुझे यहाँ पे लग रहा है अपना। ओके तो चलिए इस वाले पेपर व्यू पहले यहाँ पे जो इस वीक के मैचेस है ना इनको लगाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जो मेन इवेंट होगा। ओके तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मेन इवेंट हम किसका करवा सकते हैं। एक ही स्पेशलिस्ट है ना मेरे पास अभी, यस तो स्पेशलिस्ट एक ही अवेलेबल है। एक काम और करता हूँ मैं, एक और स्पेशलिस्ट जो है मैं बाय कर लेता हूँ। एज स्टाइल्स मिज हो गए, इसे सस्ता कौन पड़ने वाला है यहाँ पे, ज़्यादा वीक्स के लिए मुझे नहीं चाहिए। एंड तो ये 10 वीक के लिए अवेलेबल है, एंड क्या 5 वीक से कम के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है कोई स्पेशलिस्ट? एंड लगता तो नहीं है कि कोई भी स्पेशलिस्ट यहाँ पे जो है अवेलेबल होगा। एंड एक मिनट, एच का क्या है, एच हील है या फिर फेस है? एच फेस है ना, तो मेरे को एक हील सुपरस्टार की जरूरत पड़ेगी, तो हील में मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, मिज है, तो मिज यहाँ पे ले लेता हूँ। मिज 5 वीक्स के लिए अवेलेबल है, तो रसल मीना तक इनकी राइवलरी भी अगर अच्छी खासी हो गई सो इनको भी मैं यहाँ पे करवा लूँगा। सो लेट्स बाय मिज, ठीक है। तो मेन इवेंट जो रखेंगे ना, मेन इवेंट रखेंगे हम एच का, और एच के साथ रहेंगे मिस। एंड ये नॉर्मल मैच की जगह मैं इस मैच को जो है राइवलरी आफ्टर ऑल इनकी इंक्रीज करवानी है मेरे को, तो एक काम करता हूँ सबमिशन मैच से जो राइवलरी है वो सॉल्व हो जाती है ना, बट वो सॉल्व हमें नहीं करवानी है। एंड यहाँ पे फर्स्ट वाली राइवलरी काफी ईजी जो है बिल्ड जाती है, सो एक काम करता हूँ बैक स्टेज ब्रॉल मैच रखता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ये वाले में जहाँ पे कॉल आउट हो गया, रोल चेंज हो गया, तो रोल चेंज मेरे को करवाना है ब्रॉक लेसनर का। कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग रही है, 10,000 यहाँ पे। स्वैप करंट रोल परफॉर्मेंस टू द अपोजिट रोल, वेट रोल चेंज में आई गेस, हाँ चलिए रोल चेंज ही होगा यहाँ पे, क्लास चेंज नहीं है। एंड मेरे ख्याल से मैं क्लास चेंज जो है करवा भी नहीं सकता हूँ ना आई गेस। सेल्फ प्रोमो कॉल आउट, ओके तो यहाँ पे क्लास चेंज मैं करवा भी नहीं सकता हूँ। एक इसके बाद एक चैरिटी इवेंट को भी मैं करवा देता हूँ, जो कि कौन करेंगे, अकीरा टोकाजावा की थोड़े से यहाँ पे कम हो रखे, तो उसको भी देखना पड़ेगा। एंड रुकिए, शॉर्टीज भी यहाँ पे क्रूजर ना, क्रूजर के साथ एक जायंट की जरूरत है। मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे वुमेंस डिवीजन का भी अगर कुछ मेरे चेंजेस दिखते हैं, तो वुमेंस डिवीजन में भी कुछ चेंजेस जो है मैं पे करवाता हूँ। एंड जायंट में एक काम करते हैं, यहाँ पे जिमी उसो को जो है ना वुमेंस में, यहाँ पे वुमेंस में अच्छा खासा जाएगा, बट वुमेंस में पे 2 ही है, एंड दोनों का शायद मैं मैच करवाऊंगा। सो एक मिनट अभी रुक जाता हूँ मैं, पहले एक वुमेंस का देखता हूँ कि वुमेंस में कौन कौन अवेलेबल है इस वीक में। क्रूजर अवेलेबल है, क्रूजर के स्पेशलिस्ट हैं, सो क्रूजर और स्पेशलिस्ट ही अवेलेबल है इस वीक में। एक ब्रूजर यहाँ पे अवेलेबल है, एंड यहाँ पे जाइंट में कोई तो ये है, बट मेरे ख्याल से ये उतना कोई यहाँ पे फेवरेट यहाँ पे मतलब इसकी पॉपुलैरिटी काफी कम है, तो अगर मैं इसको बाय भी कर लेता हूँ ना, तो अभी मैचेस जो है ना अच्छे खासे यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो फ्री साइन इन में मेरे पे फ्री साइन इन खोल दिया ना, ओके अब ठीक है। ड्राफ्ट ऑर्डर स्टैमिना रोल क्लास जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है मेरे पास, फाइटर और क्रूजर, तो मुझे क्रूजर की जरूरत है ना, वो क्रूजर आई गेस मेरे को एक क्रूजर दिखा था, नहीं क्रूजर ही दिखा था मुझे, क्रूजर नहीं। तो इस वीक में भी कोई भी यहाँ पे क्रूजर ऐसा सच नहीं है वुमेंस डिवीजन में जिसको मैं ले सकता हूँ। वैसे 6,000 में जो है ये अवेलेबल है, एंड इसका नाम क्या है, लूला टैंडी, पर मुझे पता नहीं कि किस तरीके की यहाँ पे जो है मैचेस देंगे, क्योंकि वुमेंस डिवीजन का भी एक मैच मेरे को यहाँ पे रखना है। वेट लेट मी सी कि मैं इसके क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। सो बट दोनों यहाँ पे जो है फेस सुपर स्टार हो जाएंगे, तो वो भी सही नहीं रहेगा। एक काम करते हैं इसको भी छोड़ते हैं, अगला मैच यहाँ पे मैं बुक करता हूँ आज का, जो कि होगा ओमोस। एंड ओमोस के साथ यहाँ पे क्रूजर और अवेलेबल है, यस ये रहा जॉनकिन विल्ड, तो ओमोस और जॉनकिन विल्ड की यहाँ पे जो है ना राइवलरी यहाँ पे इंक्रीज करवाता हूँ। एंड देवी को इसकी राइवलरी एंड ओपनिंग मैच यहाँ पे किसका करवाया जाए, ये अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि ओपनिंग मैच किसका करवा सकते हैं, क्योंकि स्टैमिना वाइज यहाँ पे ज़्यादा लोग का स्टैमिना बाकी नहीं बचा है। शॉर्ट जी के पास स्टैमिना है बट उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक ब्रूजर है, फाइटर में कौन अवेलेबल है, उनको जिंदर महल और यहाँ पे फिन बैलर का मैं मैच करवा देता हूँ। थोड़ा मुझे लग रहा है कि इंचार्ज हो सकते हैं यहाँ पे फिन बैलर, बट इनकी राइवलरी अगर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी ना, फिर बाद में मैं राइवलरी को जो है इंक्रीज करवा सकता हूँ। सो एक और यहाँ पे फॉल्स काउंट एनीवेयर, स्टैमिना वेरी हाई कॉस्ट करेगा, स्टैमिना हाई, तो एक काम करते हैं स्टैमिना यहाँ पे जो हाई कॉस्ट कर रहा है इसी को यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं।
चलिए यहाँ पे कमिश्नर गोल, फेल कमिश्नर गोल, कमिश्नर गोल क्या है इस बार का? हैव एटलीस्ट वन लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। ओके लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच चाहिए ना, तो चलिए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच यहाँ पे मैं दे देता हूँ, बट स्टैमिना का काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा। सो एक काम करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, इस वाले मैच को जो स्टील केस था इसको कर देता हूँ लास्ट मैन स्टैंडिंग। सो यस, कमिश्नर का गोल भी यहाँ पे जो है मैट हो गया है, एंड इसको सेव करता हूँ। एंड एक जो यहाँ पे प्रोमो है, चैरिटी प्रोमो यहाँ पे कट करेगी, एंड वेरी शॉर्ट सी, शॉर्ट सी यहाँ पे जो है चैरिटी प्रोमो कट करेंगी, ठीक है। एंड इसके बाद चलते हैं अरीना बुकिंग कर लेते हैं, बड़ा अरीना, जितना बड़ा अरीना होगा उतना सही रहेगा। मैच जो है 55,000 का मैच अभी तक यहाँ पे बुक हो चुका है, ये रहा हमारा पूरा का पूरा मैच का कार्ड आप सभी लोगों के सामने। एंड चलिए फिर इस वाले मैच को यहाँ पे जो है इस वीक को जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एंड देखते हैं भाई ये वाला वीक जो है कैसा है यहाँ पे जाने वाला है। सो सबसे पहला मैच यहाँ पे जो है हमारा जिंदल महल वर्सेस फिन बैलर के बीच में है, एंड इस वाले मैच को यहाँ पे जो है मैं स्पेक्टेट करूंगा, स्पेक्टेट नहीं करूंगा, इसको सिमुलेट कर देते हैं। स्पेक्टेट सिर्फ और सिर्फ जो है मेन इवेंट को करेंगे, वरना एपिसोड जो है लंबे हो जाएंगे। सो मेन इवेंट यहाँ पे जो है मिस को और यहाँ पे एच का जो है मेन इवेंट इसको चेक करेंगे। वैसे ब्रॉ नहीं, वो बैक स्टेज ब्रॉल है ना, तो उसको स्पेक्टेट वहाँ करने में मजा सा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, हम ओपनिंग मैच को यहाँ पे जो है ना स्पेक्टेट करते हैं। वैसे हम प्ले भी कर सकते हैं, बट प्ले करने पे मैच जो है एक सिंगल साइडेड मैच हो जाता है, तो स्पेक्टेट करते हैं। देखते हैं भाई कैसा जो है यहाँ पे ये पहला हमारा जो है ओपनिंग मैच वो किस तरीके से जाएगा, कितनी रेटिंग जो हमारे लिए लेके आएगा। एंड फिलहाल अभी देखा जाता है यहाँ पे डिस्काउंट चल रहे हैं सारे मैच टाइप में, बट उसके बाद भी हमारे जो प्रॉफिट्स हैं ना वो ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। एंड हियर कम्स जिंदर महल, द मॉडर्न डे महाराजा। The following is a steel cage match. Making his way to the ring from Punjab, India, weighing in at 238 pounds, the modern day Maharaja, Jinder Mahal. Jinder Mahal, always one of the most serious competitors in WWE. Truly no nonsense. Serious? More like angry. Certainly can be vicious at times. Listen, Jinder simply wants what he believes he deserves. And the modern day Maharaja knows how good he is. The prince has arrived. A man who has passed judgment on all of WWE. And his opponent, representing the Judgment Day, from Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds, Finn Balor. Well, Finn Balor is a true fierce competitor who will beat down anyone in his path. Balor has honed his skill set and turned his entire body into a weapon. Hey, let's not forget, Balor is a very gifted technical wrestler. Yeah, Balor also has a very nasty attitude. Who are you to pass judgment on a member of the Judgment Day, Byron? Look at the focus in Balor's eyes. Yeah, Balor looks ready to clear the obstacle that awaits him. Well, Byron, I think Finn wants to do more than clear the obstacle. Finn looks ready to obliterate the obstacle. Hey!
We all know the only way to win this steel cage match is by submission, pinfall, or by escaping over the top or through the cage door and planting 2 feet on the ground. But with these superstars, it's impossible to say which way it'll end. Well, that's why the WWE Universe loves a steel cage match. So many ways it can end. I've seen superstars use a steel door as a weapon, get their face slammed into the steel mesh, and get knocked down from the top. Time will tell here. Yeah, I'm always interested to see a superstar's approach. Are they going to play defense and knock their opponent off the walls? Are they going to attack and try to scramble out of the ring themselves? There are so many options on the table. There may be a lot of options, but when you're locked in a steel cage with a superstar looking to take your head off, none of them are good. Oh, man. Oh, a nasty knee drop. Takes incredible guts to make this climb. Trying to make their way out of the cage. This is not going to end well. Power bomb. Oh, he takes a painful fall from the cage. Yeah, he's going to have to. Maybe that will shut him up. Jumping, leaping attack. He thinks he has it. Only a one count before the kick out. Easy kick out there, but they'll get harder soon. He grew tired of his smug attitude. First a knife edge chop, and now continuing the attack on the knee. Straight to the knee. Wrestling 101. If you can't stand, you can't fight. From behind. Back suplex. Section. Measured stomp right to the gut. Oh, and then the chest as well. Cover. Gets the shoulder up after one. Strong kick out, but you have to wonder if he can keep it up. Oh, that'll leave a mark. Sent into the corner. And that definitely made solid impact. Being kept on Balor. Jinder certainly get. He can do it here. Almost. 2.5. Just barely, but it counts. He was elusive there. Finn Balor channeling the activity of the Balor Club here. And he was able to turn that around on Balor. Features off their face. Way across the top rope. It'll grind the features right off your face. The sleeper is cinched in, and you can see little by little the opponent is fading. You can see hope for Balor begin to. In trouble here. Oh, what a great counter. That'll break it up. Not enough yet. What a four. Get him into the corner. He switches it back around. Quick exchange, reversing the reversal. What grace. Shot to the gut will break things up. Both superstars showing great awareness of their opponent's repertoire. Channeling his energy to stay in this matchup. Oh, shot right to the kidney. And again. Great way to wear down your opponent. This could be it. Cover. No, he kicks out. Staying in this one. Mahal wards that attack off. Showing they've done the
absorbing some tough hits now. The toll, the damage that a steel cage match does, we are seeing it for the win. And referee cuts off the count in one. Still gonna take a massive effort to keep him down. Control here. Jinder has a storm to weather here. A double knee face breaker. Jinder Mahal. There it is. Come on. Will Jinder put it away here? 2K. And he did it. Big win inside the cage. You guys are saying. एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जिंदर महल जो यहाँ पे मैच को विन कर जाएंगे एंड चलिए यहाँ पे मैच को विन करके राइवलरी डेफिनेटली यहाँ पे लेवल वन की जो है वो इंक्रीज हो चुकी होगी एंड द मॉडर्न डे महाराजा डिड इट एंड मेडिकल मैच है ये मेरे ख्याल से इंजरी अलर्ट हो चुके हैं यहाँ पे बट ये वैसे मैंने सब कुछ यहाँ पे इस मैच में सही रखा था सो ये मेरे को समझ नहीं आई कि क्यों हुआ ऐसा एंड इसको देखना चाहूँगा कि एट दी एंड यहाँ पे जो इतना कम यहाँ पे क्यों मिला है इसमें स्टार जो ओपनिंग मैच था हमारा थोड़ा मैंने एक्सपेक्ट करा था थोड़ा ज़्यादा मिलेगा एंड यहाँ पे जो है हील टर्न हो चुका है ब्रॉक लेसनर का एंड अब दूसरा मैच ओमोस एंड जैकवा वर्ल्ड का देखते हैं भाई कैसा जाता है जायंट वर्सेस क्रूजर एंड इस मैच के विनर है जैकवा वर्ल्ड एंड डिसअपॉइंटिंग वेट ये मैचेस इस वीक के अच्छे खासे नहीं जा रहे हैं देखते भाई मेन इवेंट कैसा जाता है दोनों स्पेशलिस्ट के बीच में मेन इवेंट है देखते हैं भाई मेन इवेंट कैसे जाएगा एज जो है विनर है इस मैच के एंड चलिए यहाँ पे जो मेन इवेंट है वही थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा गया है इसके अलावा और कोई मैचेस जो यहाँ पे अच्छे नहीं गए हैं एंड देखोगे तो अभी रॉ के पास नहीं यहाँ पे जे उसो है बट जे उसो को मैं किसी चीज़ की वजह से यहाँ पे बाय नहीं कर पा रहा हूँ एंड इसका कोई एग्जैक्ट रीजन मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है सबके साथ मैचेस को मैं स्किप कर देता हूँ एंड ठीक है NXT के भी सारे मैचेस स्किप एंड भाई इस वाले मैच में इतना अच्छा खास यहाँ पे नहीं गया पहले मैच को मैं रिपोर्ट देखना चाहूँगा एंड यहाँ पे जो रोल था आई गेस को क्या दोनों के दोनों फेस सुपरस्टार थे क्या ओ वेट ओके सो दोनों यहाँ पे जो थे हील सुपरस्टार थे तो उस चीज़ की वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ का मैं देखूंगा बट ट्राइबलरी लेवल दो की हो चुकी है सो नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो है जिंदर महल का भी रोल जो है उसको मैं चेंज करवा दूंगा सो अगली बार से मैच अच्छे चले जाएंगे एंड यारे मैच में दिक्कत क्या थी ओके तो इस मैच में भी यहाँ पे जो है रोल की दिक्कत है दो सुपरस्टार के मेरे को यहाँ पे रोल जो है इनको फेस करवाना पड़ेगा एंड देखते हैं भाई फैंस कितने जो है काफ़ी कम फैंस बट हाँ प्रॉफिट इज वीक हुआ है बट फैंस यार काफ़ी कम हुए हैं एंड इस हिसाब से तो यहाँ पे मुश्किल रहने वाला है एंड स्मैकडाउन में देखता हूँ कितने फैंस इंक्रीज हुए हैं भाई डबल फैन हमसे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं तो वो प्रॉब्लम रही है काफ़ी ज़्यादा एंड इसी मेरे को यहाँ पे हेल्थ स्पा टीम का मिल चुका है एंड फिलहाल अभी तो यहाँ पे टॉप पे हूँ मैं NXT काफ़ी तक क्लोज आ चुका है मेरे ज़्यादा स्मैकडाउन जो है काफ़ी क्लोज आ चुका है वीक 17 आ चुके हैं यू हैव बेंच फॉर अ वाइल एंड आई रियली वांट टू गेट इन द रिंग वो कमेंट पुट मी बैक वेयर आई बिलोंग आई वांट अ मैच इन दिन शो चलिए यहाँ पे जो है मैच में इसे दे दूंगा यहाँ पे एंड रेस्ट मेल टैग टीम टैग चैंपियन दिस वीक ठीक है तो टैग टीम चैंपियंस टू द मून को भी करना है बट ओके ठीक है अब देखता हूँ मैं यहाँ पे जो है जिंदर महल जो है कितनी वीक्स के लिए इंजर्ड हुए हैं एंड जिंदर महल नहीं फिन बैलर 3 weeks के लिए यहाँ पे जो है ये इंजर्ड है एंड पावर कार्ड देखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे एंड एक रियल स्टीट बिगनर लग रेज द पॉपुलरिटी ऑफ सुपरस्टार विद द लोएस्ट पॉपुलरिटी ऑफ द रोस्टर अ रैंडमली बुक स्टील केज मैच ऑन योर शो विल रिसीव अ हायर देन अ नॉर्मल रेटिंग बट इसका पैसे काफ़ी ज़्यादा लगेंगे एंड रेज द सेलेक्टेड सुपरस्टार मोरेल तो मोरेल को भाई आप मेरे को लग रहा है शार्लेट फेयर को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा वैसे मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को यूज करवा सकता था एंड ये रहा यहाँ पे हेल्थ स्पा एक और मिल चुका है एंड ओके रैंडी ऑर्टन यहाँ पे 30 तक के पहुंच चुके हैं सो वे काफी चीज है एंड इसके साथ फिन बैलर भी 3 weeks के लिए यहाँ पे इंजर्ड है ना क्या एक मिनट को फिन बैलर को मैं कॉल कर सकता हूँ क्या फिलहाल अभी भी मुझे लगता तो नहीं है कि फिन बैलर को कॉल कर पाएंगे यहाँ पे बट इस चीज़ को चेकआउट जरूर करना चाहूंगा मैं मेरे जिंदर महल तो जिंदर महल यहाँ पे कॉल आउट कर सकते हैं सो ठीक है यहाँ पे कॉल आउट करवा के ही यहाँ पे जो इनकी राइवलरी जो है थोड़ी सी इंक्रीज करवा दूंगा मैं एंड एवर देखना चाहूंगा कि ऑटो शो बुक में यहाँ पे क्या क्या शो बुक होंगे इस वीक के देवी को सो ओपनिंग मैच यहाँ पे एक TLC मैच है ठीक है वैसे टैग टीम चैंपियंस को हम यहाँ पे रुकवाना था तो एक अच्छा मैच नहीं रहेगा क्रूजर जायंट है ब्रूजर दो ब्रूजर है यहाँ पे
एंड मेन इवेंट वापस से यहाँ पे स्टैमिना काफी कम है। अगर आप एच का देखो 26 हो रहा है स्टैमिना, सो स्टैमिना यहाँ पे एच का थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। मैं देखना चाहूंगा और कौन कौन से फ्री एजेंट्स हैं इस वीक पे। जॉन सीना हमारे पास अवेलेबल है, कोडी रोड्स अवेलेबल हैं, बैकी लिंच भी अवेलेबल है, स्पेशलिस्ट ये बैकी लिंच, यहाँ पे स्पेशलिस्ट के अलावा लगता नहीं कुछ हो रहेंगे। एंड यहाँ पे सोलो शिकोवा भी अवेलेबल है, बट वो एक ब्रूजर है, ठीक है। एंड इसके अलावा और कोई है क्या इस वीक में अवेलेबल कोई अच्छा सुपरस्टार? कोई अच्छा और सुपरस्टार मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है इस वीक से। सोलो शिकोवा को मैं बाय कर सकता हूँ, बट ब्रूजर के लिए मुझे एक फाइटर की जरूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा सा पहले होता तो यहाँ पे मैं फिन बैलर के साथ जो था सोलो शिकोवा की जो बैटल थी ना उसको मैं करवा सकता था। एंड लेजेंड्स में रॉक अवेलेबल है एंड कोई और लेजेंड बटिस्टा भी है। वुमेन्स डिविजन में कौन कौन से लेजेंड है? ब्री बेला भी अवेलेबल, ब्री बेला भी जो एक स्पेशलिस्ट ही है, ठीक है। पावर कार्ड में मेरे पे मतलब चीट कोड में यहाँ पे पड़ा था, मैं चीट कोड रॉ में मेरे को देखना था। ओके, तो रॉ में यहाँ पे जो स्टैमिना लेकिन काफी कम है जेउसो का। एंड जेउसो एक क्रूजर है एंड क्रूजर के साथ यहाँ पे जो है ना ब्रूजर की जरूरत पड़ेगी, बट टैग टीम चैंपियंस फिलहाल अभी हमारे जो है क्रूजर्स ही हैं। सो अगर टैग टीम के लिए भी मैं लाता हूँ तो अभी जिमी उसो जो एक अच्छा रोल जो है ना प्ले नहीं कर पाएंगे अपनी टीम के लिए अभी। एंड बियांका ब्लेयर एक क्रूजर है एंड क्रूजर में क्वीन है, ब्रूजर यहाँ पे डेना ब्रूक भी है एंड एक रकेल्स यहाँ पे है जॉइंट अवेलेबल। एंड इसके अलावा स्पैकडाउन में लोगन पॉल एक फाइटर, रिया रिपली भी एक यहाँ पे ब्रूजर है, ब्रूजर काफी ज्यादा है यहाँ पे। ओके, एंड एक लास्ट बचता है एनएक्सटी, एनएक्सटी में देख लेता हूँ कौन कौन से हैं। बॉबी लैशली हो गए, गंथर हो गए, एलेक्सा ब्लिज हो गई क्रूजर, एलेक्सा ब्लिज स्पेशलिस्ट भी ली। ओके ठीक है, सो फिलहाल मुझे लगता नहीं कि अभी किसी और को बाय करने की जरूरत पड़ेगी। बट गाइस चलिए इस वाले एपिसोड को यहीं पे जो है रैप अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को एपिसोड से मजा आएगा। अगले एपिसोड में हम जो यहाँ पे नेक्स्ट वीक है 17th वीक अपना जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले, 25 वीक्स यहाँ पे टोटल है एंड जल्दी ही जो है हम यहाँ पे अपने वीक्स जो है कंप्लीट करने वाले। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो मजा आएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड साथ में चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे गाइस।